छतरपुर तहसील में उस वक्त हड़कंप मच गया जब दिन दहाड़े दुकान पर बैठे एक युवक ने राइफल से फायरिंग कर दी, जिससे आसपास मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। वहीं गनीमत रही कि इस फायरिंग से कोई हताहत नहीं हुआ। छतरपुर तहसील में गोली चलने से हड़कंप तप मच गया जब दुकान पर बैठे एक युवक ने 315 बोर की राइफल से फायरिंग कर दी, जिससे तहसील में अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही उस वक्त ज्यादा भीड़ नहीं थी, जिससे कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। घटना के वक्त मौके पर मौजूद दुकान वाले का कहना है कि युवक के फायरिंग से दुकान में रखे डब्बे को चिरती हुई गोली वहां खड़ी बाइक में लग गई, जिससे किसी को लगी नहीं तो किसी की भी जान जा सकती थी। सीएसपी लोकेंद्र सिंह ने बताया कि फायरिंग करके भाग रहे युवक को गिरफ्तार करके जांच की जा रही है। चलाई उनने ऐसे कि भी चेक कर रही थी, हमने कहा यानी चिड़िया वाली है कि गोवाली है बंदी, राइफल है तो भी लूट थी, उनने लूट करी अचानक धोखे से उनसे चल गई। ये तहसील में थाना कोतवाली अंतर्गत एक गोली चलने की सूचना मिली थी, जिसमें पुलिस के द्वारा तस्दीक की गई है और इसमें जिसके द्वारा गोली चलाई गई थी उसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया गया है और इसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें किसी को गोली नहीं लगी है और गोली एक गाड़ी में जाके लगी है, इसमें अग्रिम विवेचना की जा रही है। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निःशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।